चारित्र्यावर संशय घेत पतीने पत्नीला जीवनाशी ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पत्नी स्नेहा ही गंभीर जखमी असून तिच्यावर नागपूर येथे मेयो हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे. पोलिसांनी अजनी हद्दीत विलासनगर अजनी येथे राहणाऱ्या स्नेहा मनीष मेश्राम वय 37 वर्ष व मनीष ज्ञानेश्वर मेश्राम वय 46 वर्ष हे दोघे पती पत्नी आहेत. स्नेहा ही पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये काम करते असून मनीष हा काहीही कामधंदा करीत नाही. तो नेहमी पत्नी स्नेहासोबत वादविवाद करून तिच्या चारित्र्यावर संशय घेत असतो. याच कारणावरून मनीषने पत्नी स्नेहासोबत भांडण करून तिला जीवनाशी ठार मारण्याच्या उद्देशाने तिच्या पोटावर चाकूने वार करून गंभीर जखमी केले. जखमी हिने आरडाओरड केली असता त्याने चाकू पत्नी स्नेहा हिच्या पोटातच ठेवून पळून गेला. ही घटना रविवारी 5:30 सुमारास घडली. स्नेहा ही गंभीर जखमी असून तिच्यावर मेयो हॉस्पिटल येथे उपचार सुरू आहे. आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवून आरोपीस अटक केली आहे. पुढील तपास पोलीस करीत आहेत. इसमें एक आरोपी नाम है मनीष मेश्राम और इनकी पत्नी स्नेहा मेश्राम ये बाबुलखेड़ा में रहते हैं. मनीष मेश्राम उसकी पत्नी जो स्नेहा मेश्राम जो पैथोलॉजी लैब में लैब असिस्टेंट करके काम करती है उनके चरित्र पे बहुत दिनों से उसका संशय चल रहा है और वो आपस में उनके छोटे मोटे झगड़े भी होते थे. कल शाम के समय मनीष मेश्राम का फिर से उनकी पत्नी के साथ में वाद विवाद हो गया इसी कारण से चरित्र के संशय की वजह से. और उसने इस कारण से जो सब्जी का चाकू रहता है उससे उसके पेट में उसको गंभीर जख्मी किया. उसको जख्मी को जीएमसी में एडमिट किया है. उनकी तबीयत अभी ठीक है. हमने आरोपी को तुरंत ताबे में लिया है. उसको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करने के बाद में पेश करने के बाद में उनको 1 तारीख तक PCR भी मिला है. आगे की तहकीकात शुरू.